दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव हर बार हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित कुछ नए आयाम, कुछ नए सवालों के जवाब लेके आपके पास आता हूँ। एक बहुत कॉमन सा सवाल है कि हेयर ट्रांसप्लांट की सही उम्र क्या है, किस उम्र पे एक व्यक्ति को हेयर ट्रांसप्लांट लेना चाहिए। तो मुझसे जब लोग पूछते हैं तो मैं कहता हूँ मैंने 17 से 70 साल तक के लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है बाय वर्च्यू ऑफ माई ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। सो 17-18 साल के लड़के का अगर हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो डेफिनेटली वो गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखिए, कभी ऐसा होता है कि पेशेंट के माँ बाप उसको जब लेके आते हैं बोलते हैं सर ये दोस्तों में नहीं मिलता, बाहर नहीं निकलता, घर में अकेला गुमसुम बैठा रहता है। एक बच्चा था मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर का, उसको उसके पेरेंट्स भी डॉक्टर थे, वो लेके आए मध्य प्रदेश से और बोले सर ये बच्चा कॉलेज जाने पर राजी नहीं, मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करके देना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई आगे के लिए तैयार हो, शायद तुम्हें 2 बार और हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। अब दूसरी एज आती है उससे आगे बढ़ के 20 से 25 साल की एज, इस एज में भी आप आराम से हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आपको अपने पेशेंट को सिर्फ ये बताना है कि हो सकता है रुपए में 40 पैसे का संभावना है, 40% संभावना है इस बात की कि आपको जिंदगी में दोबारा भी एक हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़े। अब तीसरी एज जो आती है वो 26 साल से 30 साल की है, एंड दिस इज द राइटेस्ट एज फॉर ए हेयर ट्रांसप्लांट, 26 से 30 साल, क्योंकि इस समय उसकी टेस्टोस्टेरोन प्रोफाइल स्टेबलाइज हो रही होती है और उसके साथ ही साथ उसका होने वाला हेयर लॉस भी करीब करीब स्टेबलाइज हो रहा होता है। तो ये राइटेस्ट स्टेज है, इस समय आदमी स्टाउट भी होता है, स्ट्रांग भी होता है और सब तरह से उस प्रोसीजर को झेलने लायक होता है। अब तीसरी एज आती है 30 से लेकर 42 साल की, तो इस एज में भी हेयर ट्रांसप्लांट आराम से हो सकता है, डॉक्टर सेफ रहता है क्योंकि यूजुअली इस तरह के पेशेंट का बॉल्डनेस प्रोफाइल जो है वो स्टेबलाइज हो चुकी है। तीसरी एज जो आई वो है 42 साल से लेके 70 साल की उम्र तक, ये फिर से कांच का बर्तन है क्योंकि इस समय आदमी को गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन जैसी तकलीफें शुरू हो जाती है, एज रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि हमको उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, डॉक्टर को उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी चाहिए, हर चीज संभावित उससे पूछनी चाहिए और उसको वो नहीं बता रहा है तो पुरेत पुरेत के निकालनी चाहिए और उसको पूरी तरह आप इन्वेस्टिगेट करिए। अगर आपको सब कुछ ठीक लगे तो उसको अपनी ओटी की टेबल पे लीजिए, वरना आप अपने लिए और उसके लिए भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट अगर फिजिकल कंडीशंस और इन्वेस्टिगेशंस अलाउ कर दे तो किसी भी एज में हो सकता है, बट यस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन फॉर द राइटेस्ट एज इज बिटवीन 26 to 30 years ऑफ एज। मैं आज यहीं पे रुकता हूँ आपके इस सवाल का जवाब देके और प्रोबेबिलिटीज आपको बता के। नमस्ते, दिस इज साई कॉस्मेटिक्स पुणे।